आखिर क्यों डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं भाजपा के प्रमुख नेता? क्यों पश्चिमी यूपी को भाजपा की कमजोर कड़ी कहा जा रहा है? 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होने वाला है। पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी से ही होने वाला है। सभी पार्टियों की तैयारी और राजनीति अपने चरम सीमा पर है। आए दिन कोई ना कोई पार्टी अपना नया दाव खेल देती है, लेकिन इस बार भाजपा की हालत पश्चिमी यूपी में कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी भाजपा के उच्च पद के नेता जैसे अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह वहां के लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के स्थानीय लोगों में भी विधायक को लेके काफी नाराजगी है, जिस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी भाजपा की कमजोर कड़ी है। हाल ही में ही जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुजफ्फरनगर के दौरे पर अपना काफिला लेके पहुंचे, तो लोगों ने उनके काफिले का जमकर विरोध किया एवं काफी भला बुरा भी कहा। दरअसल 2020 में भाजपा द्वारा लगाए गए कृषि कानून की वजह से कृषियों में भाजपा को लेके काफी ज्यादा नाराजगी है और पश्चिमी यूपी में ऐसे लोगों की मात्रा ज्यादा है। लेकिन नवम्बर 2021 में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया था, लेकिन तब भी पश्चिमी यूपी के लोगों में भाजपा को लेके अभी भी नाराजगी क्यों है? दरअसल वहां के लोगों की मांग है कि सरकार को MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कानून बना देना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, सभी फसलों का MSP तय हो और गन्ने का भुगतान समय पर हो। वहां के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा ने जाति को लेकर नफरत फैलाई है और जाति असंघर्ष पैदा हो गई है। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि किसानों पर इतना अत्याचार होने के बाद जनता भाजपा को वोट नहीं देगी, और दूसरे हाथ पर भाजपा समर्थकों का ये कहना है कि पश्चिमी यूपी में अगर जाट भाजपा को वोट नहीं देंगे तो सैनी, गुज्जर एवं दूसरे हिंदू समाज के वोटर्स भाजपा को जिताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सैनी और भडाना के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा का वहां से भी पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी भाजपा हार नहीं मान रही है। वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि पश्चिमी यूपी के लोगों के मन में भाजपा को लेके जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। तभी भाजपा अपने स्टार प्रवक्ता योगी व अमित शाह जैसे नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन करवा रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।